तो भाई लोग, आपने जो प्रीव्यू में वीडियो देखा, आप लोग उस तरह की कलर ग्रेडिंग अपने वीडियो में कैसे कर सकते हो, मैं आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग बता दूँ, आपको दो ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और कैपकट न्यू वर्जन है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और VPN चाहो तो मेरा भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोगों को कोई भी VPN यूज कर सकते हो कैपकट में, क्योंकि कैपकट विदाउट VPN के वर्क नहीं करता, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो VPN को जरूर से कनेक्ट कर लेना कैपकट को ओपन करने से पहले, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ट्यूटोरियल वीडियो लेके आता रहता हूं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग करना क्या है, कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है, एंड कैपकट ऐप को ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना। आप लोगों के पास कैपकट न्यू वर्जन ना हो तो मैंने उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो कैपकट ऐप को ओपन करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को लेना, मतलब अपने क्लिप को ले लेना, अपना भी क्लिप ले सकते हो या फिर मेरा भी क्लिप ले सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो कैपकट क्लिप को लेने के बाद से कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आप लोग एंडिंग पार्ट को क्लिक करके उसको डिलीट कर देना, ठीक है। तो अपना कैप ऐसा हो जाए, तो उसको जूम करके अब हम लोग को जहाँ से कलर ग्रेडिंग करना है वहाँ से हम लोग को स्लिप्ट करना है, मतलब कट करना है, ठीक है। तो हम लोग कलर ग्रेडिंग कुछ यहाँ से करना है, ठीक है। तो मैं उसको ठीक से पहले ले लेता हूँ, जहाँ से हम लोग कलर ग्रेडिंग करना हो तो मुझे कुछ कलर ग्रेडिंग यहाँ से करना है। और जो आप लोग बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था उसके लिए सॉरी मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो हमको यहाँ से कलर ग्रेडिंग करना, तो यहाँ स्लिप्ट पे करके स्लिप्ट कर देंगे, ठीक है, उसको जूम कर देंगे। और इसके बाद से करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, क्लिप पे टच करने के बाद से नीचे देखो आप लोग एडजस्ट का ऑप्शन दिखेगा, ये अपना एडजस्ट, और एडजस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और क्या करें, सबसे ब्राइटनेस पे आएंगे, ब्राइटनेस को कुछ माइनस करेंगे 9 या 10 के बीच में, ठीक है। तो मैं 10 रख लेता, और कंट्रास्ट को पूरा फुल कर देना है, ठीक है, और सेचुरेशन को पूरा माइनस कर देना है, ठीक है गाइस, और एक्सपोजर को भी पूरा माइनस कर देना, और शार्पन को पूरा फुल कर देना है, और हाईलाइट को पूरा, अरे सॉरी हाईलाइट नहीं है, ये ग्राफिक्स में आ गए हम लोग, ठीक है। तो क्या करना है, और कहाँ आ गए भाई, एडजस्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और एक मिनट, किधर गए अपना, सॉरी कहाँ कहाँ आ जा रहे हैं भाई, पता ही नहीं चला, हाईलाइट पे आ जाओ और हाईलाइट को पूरा माइनस कर दो, ठीक है। और इसके बाद से अपना एक चीज़ और रह गया है, विगनेट को बस थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, अराउंड 9 या 10 के बीच में इसको भी रख लेना, ठीक है। तो मैं 9 इसको रख दिया, ठीक है, अपना क्लिप कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है गाइस, आप लोग देख सकते हो क्लिप कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा अपना, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो है ना इसको भी ऐसे ही रहने, देखो ये इधर मतलब पूरा कलर, ये अपना एडजस्ट वाला है और ये विदाउट एडजस्ट वाला है, ठीक है। तो ऐसे इसको रहने देना। अब हम क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे जहाँ से हम लोग कलर, जहाँ से हम स्लिप्ट किए हैं, इधर आ जाएंगे, इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, वीडियो इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इधर आने के बाद से आपको एक रेट्रो का ऑप्शन दिखेगा, रेट्रो पे क्लिक करना है, JVC इफेक्ट को ले लेना है, ठीक है। और इसके कलर को पूरा फुल कर देना है, इंटेंसिटी को पूरा बढ़ा देना है, फिल्टर को पूरा माइनस कर देना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद से इसको पूरा कर देंगे वीडियो के एंड के इतना। फिर अब आपको करना क्या है, इतना हमने कर लिया, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इतना हमने एडजस्ट कर लिया, अब हम इधर आ जाएंगे, अब इस क्लिप पे हम लोग टच करेंगे, ठीक है। और इधर आने के बाद से देखो नीचे दिख रहा होगा आपको एक ऑप्शन, इसको ओवरले कर देंगे, ठीक है। ओवरले करने के बाद इसको ठीक से एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, तब वरना अपना वीडियो क्लिप, अपना वीडियो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ठीक से एडजस्ट करना, जहाँ से स्लिप्ट पार्ट हुआ है तो देख के इसको ठीक से एडजस्ट करना, ठीक है। तो इतना देखो अब ये ऐसा देखने लगेगा, ठीक है। अब फिर से आप लोग इसको इस पर क्लिक करो नीचे वाले क्लिप पे, ठीक है। और इधर देखिए आप लोग कटआउट पे क्लिक करो, इसको रिमूव बैकग्राउंड कर दो, ठीक है, तो अपना रिमूव बैकग्राउंड वाला। तो भाई लोग, और जो आप लोग बैकग्राउंड है उसके लिए सॉरी, ठीक, एडजस्ट कर लेना। तो ये कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा अपना, ठीक है। तो अभी समझो अपना वीडियो क्लिप, ये समझो अपना रेडी नहीं हुआ अभी, ये मत समझना कि अपना वीडियो क्लिप रेडी हुआ, देखो ना कुछ ऐसा ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, इसको हम पूरा ठीक से सही करने वाले, ठीक है ना गाइस। तो ये कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, हम इसको पूरा ठीक से एडजस्ट करने वाले, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाएंगे फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, इफेक्ट्स पे आ जाएंगे, फिर से वीडियो इफेक्ट्स पे आएंगे, फिर से एक और JVC ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसको इधर ला देंगे, इसको फिर से पूरा फुल, इंटेंसिटी को पूरा फुल करेंगे, फिल्टर को पूरा कर देंगे माइनस, ठीक है। फिर से कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा अपना, ठीक है। तो इस पर कर देंगे, एंड इसको भी वीडियो के एंड के इतना हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो कुछ देखो अपना क्लिप थोड़ा थोड़ा रेडी हो रहा है, अब एक बार और हम लेंगे सॉरी JVC इफेक्ट को लेंगे, और फिर से JVC इफेक्ट को मैंने ले लिया, थोड़ा खांसी आ रहा है मेरे को, इसको भी पूरा फुल करेंगे, इसको भी पूरा फुल करेंगे, और इसको पूरा माइनस कर देंगे, ठीक है। ये देखो अपना कलर ग्रेडिंग काफ़ी लाजवाब देखने के लिए मिल रहा है। अब हम लोग एक इफेक्ट और ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको भी हम ले लेंगे, सबसे पहले इसको पूरा फुल कर देते हैं, ये अपना पूरा फुल हो गया। अब एक और इफेक्ट अपना रह गया है, तो उसको इसको मतलब ठीक से एडजस्ट करना, आप लोग ठीक से एडजस्ट करना, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको भी मैंने पूरा ठीक से एक बराबर कर लिया है, अब एक इफेक्ट अपना और बच जा रहा है, ठीक है। तो उसको अभी हम ले लेते हैं, वीडियो इफेक्ट्स पे आ जाएंगे,
और इधर आपको बेसिक का ऑप्शन दिखेगा, बेसिक में आ जाओ, एज ग्लो को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और जो कुछ कुछ अपना मतलब आप लोग जितना ग्लो रखना चाहो अपने हिसाब से रख लेना था, मैं कुछ अराउंड 17 या 18 के अराउंड में रख लेता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पे कर देना है, और अभी मैं बताता हूँ, अभी काम बाकी है अपना, ठीक है, ये मत समझना कि काम ख़त्म हो गया। अब इतना कर लिया आप लोगों ने, ठीक है ना, अब इस पर क्लिक करेंगे JVC इफेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे आएंगे, इसको मेन वीडियो है ना, सबको मेन वीडियो पे कर देना, ठीक है, जितना भी अपना इफेक्ट है सब मेन वीडियो पे रहना चाहिए, ठीक है, वरना अपना क्लिप ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम कर देंगे मेन वीडियो पे, ठीक है। तो अपना मेन देखो, ये अपना इस कलर का कलर ग्रेडिंग हो चुका है रेडी, ठीक है गाइस, हम आपको चला के दिखा देते हैं, आप लोग देख लो, ये कलर ग्रेडिंग अपना हो गया रेडी। अब हम लोग कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, हम आपको वो बताने वाले हैं, ठीक है। सब लोग इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे, आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, मैं सब वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अपना वीडियो एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एंड इसके बाद हम कलर ग्रेडिंग कैसे चेंज कर सकते हैं आपको बताते हैं, ठीक है। तो फिर उसको डन कर देंगे हम लोग, और डन करने फिर से इसी प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड फिर से इस प्रोजेक्ट पर पहले ठीक से आ जाने दो, और आ जाने के बाद सबको करना क्या चलिए बताते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, मेन वीडियो पर क्लिक करेंगे, फिर एडजस्ट पे आएंगे, इधर के HSL पे आएंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को एडजस्टमेंट करना है, तो इसको पूरा फुल करेंगे और लेमिनेस को पूरा माइनस करेंगे, देखो ज़्यादा ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, तो जैसे आप लोग को अच्छा लगे, देखो ऐसे करोगे तो पूरा ये मतलब ज़्यादा कलर ग्रेडिंग नहीं दिखेगा, ठीक है, और लेमिनेस को पूरा माइनस करोगे तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख के आप लोग एडजस्ट करो अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, लेकिन मैं इसको किया था, मैं इसको कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग करना ठीक से जरूरी है, जो कलर होगा उस कलर पर आपको क्लिक करके ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेमिनेस को माइनस और सैचुरेशन को पूरा फुल करना पड़ेगा, माइनस या प्लस करना पड़ेगा तभी ऐसा होगा, ठीक है। इतना कर लिया हमने, ठीक है। अब हम कलर चेंज करके आपको बता दें, ठीक है, जैसे बैक कर देंगे, इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले और JVC इफेक्ट, ठीक है। और जो कुछ इतना पर रखेंगे, ये देखो ये ब्लू कलर में आ रहा है, तो इधर आओ, इसको ये क्या हो रहा है मेरे को कुछ नहीं पता, अब हाँ बताता हूँ, सॉरी, इतना हो गया ये, ठीक है। अब फिर से इस वाले पे क्लिक करेंगे, फिर से एडजस्ट पे क्लिक करेंगे, एंड फिर से इसको इतना पे माइनस कर देंगे, कुछ नहीं अराउंड कुछ इतना पे रखेंगे, और फिर से इस पे क्लिक करेंगे, इसको पूरा ब्लू में एकदम गाढ़ा ब्लू में इसको हम चेंज करने वाले हैं, इसको कुछ इतना बनाए दो, और इंटेंसिटी को थोड़ा माइनस करो, ठीक है, नहीं सॉरी प्लस कर दो, तो पूरा ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा ब्लू में, एंड ये देखते हो तो अपना क्लिप हो चुका है ब्लू कलर में रेडी। तो ऐसे ही करके आप लोग मतलब छेड़छाड़ थोड़ा करके आप लोग सीख पाओगे, जब तक आप लोग छेड़छाड़ नहीं करोगे बनाना नहीं सीखोगे तब तक बना कैसे पाओगे गाइस, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा वो छेड़छाड़ करो, बनाना सीखो तभी आप लोग बना पाओगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ मेरे भाई, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना आप लोग, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं ऐसे ट्यूटोरियल वीडियो लेके आता हूं, तो चैनल को लाइक करना मत भूलना, सॉरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, आप लोग ऐसे ही करके कलर ग्रेडिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर गाइज़।